So, hello, dear students. This is Asha Didiji in front of you to take the question and answers of the poem Chivi. Chivi is a sweet, cute little poem of Honeycomb Class 7 English NCRT book. Here in this poem, the writer Michael Rosen has dictated that uh, since being in a childhood the adults and the grown-up peoples uh, what they are expecting and what they are teaching to the children and uh, so here we have few questions and answers here so let's check it out question number one asking when is a grown-up likely to say this don't talk with your mouth full so question of sakira कि ऐसा कब होता है कि बड़े लोग आपको कहते हैं कि जब मुंह भरा हो तब बात नहीं करना चाहिए सो द आंसर इज वेन वन इज ईटिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम तो जब कोई खाते वक्त बात करता है या बात करते वक्त खा रहा होता है तब कहते हैं कि जब मुंह भरा हुआ हो तब नहीं बात करते हैं है ना मतलब क्या कि एक टाइम पे एक ही काम करो या तो खाओ या तो बातें करो ओके क्वेश्चन नंबर टू वैन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस से थैंक यू तो ऐसा कब होता है बच्चों जब आपको कहा जाता है कि अब चलो थैंक यू बोलो सो द आंसर इज वैन वी रिसीव समथिंग फ्रॉम सम वन सो आंसर कह रहा है कि जब हमें कुछ चीज मिलता है किसी और से तो हम लोग बदले में क्या कहते हैं थैंक यू क्वेश्चन नंबर थ्री वैन डू यू थिंक एन एडल्टुड से दिस नो वन थिंक्स यू आर फनी ऐसा कब होता है जब कभी हमें कोई एडल्ट कहते हैं कि कोई तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच रहा है कि तुम फनी हो है ना सो द आंसर इज एडल्ट वुड से अबब लाइन्स सो डैट वन कुड परफॉर्म वेल तो ये जो ऊपर के लाइन है ये कोई एडल्ट हमें तभी कहते हैं जब वो चाहते हैं कि हम कोई अच्छा सा परफॉर्मेंस करें है ना तो जनरली देखते हो ना ऐसे एग्जाम्पल है मान लीजिए कि आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस देने वाले और आपको डर लग रहा है पता नहीं मैं कैसा बोलूँगा लोग मेरे में हंस देंगे क्या तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ मत सोचो कोई तुम्हें कोई फनी नहीं समझ रहा है तुम एकदम अच्छे से जाओ और कॉन्फिडेंटली अपना परफॉर्मेंस दो है ना ओके बच्चों सो टू परफॉर्म वेल और एडर्स से लाइक दिस ओके क्वेश्चन नंबर टू

एक्चुअली में जो एडल्ट है तो कि बच्चों से आखिर कहना क्या चाहते हैं और क्या सजेशन देना चाहते हैं और क्या वो सजेशन अनरीजनेबल है बार बार कहना नहीं चाहिए अगर नहीं तो ऐसा क्यों है ना आंसर ऑफ टू द अडल्ट इज आस्किंग ओके स्टूडेंट्स हेयर आई है बाई मिस्टेक आई हैव रिटन अब्दुल यू हैव टू करेक्ट इट बाई अडल्ट ओके

ये जो सेकेंड का आंसर था कि उसका आंसर भी कह रहा है कि हाँ ये सही है कि हमें किसी भी बच्चे को बार बार रोकना या टोकना नहीं चाहिए ये मत करो वो मत करो हमें बच्चे को भी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो क्या क्या कि वो क्या करना चाहते हैं वो वो चीज़ करें है ना ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डू यू थिंक ग्रोन अप सेज द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशन इन द पोयम इज़ इट इम्पोर्टेंट डेट दे टीच चिल्ड्रेन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्रोनअप जो ऊपर की चीज़ें जो लिखा हुआ है ऐसे बिहेव करो वैसे बिहेव करो ऐसा क्यों कहता है चिल्ड्रेन को और फिर सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या बच्चों को जरूरी है सिखाना अच्छी आदतें ताकि वो और पब्लिक में कैसे बिहेव करे ये सिखाना जरूरी है क्या आंसर ऑफ थर्ड

सो so आंसर कह रहा है कि हाँ बच्चों को मैनर्स सिखाना जरूरी है है ना ताकि लोगों के सामने कैसे बिहेव कराना है करना चाहिए वो सब सिखाना जरूरी है ताकि बच्चे आगे चल के गुड सिटीजन बने और अच्छे शिष्टाचार पाए ओके बच्चों ओके स्टूडेंट सो हे वी हैव कम्प्लीटेड द फुल क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द पोएम चिवी सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोएम एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड Write in your notebook clearly and prepare for the examination. Okay, so all the best for your studies. Stay safe and happy. Take care.